हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सेलेस में। फ्रेंड, आज के जो वीडियो है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आपका अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप उसके लाभार्थी हैं, तो अभी तक गवर्नमेंट ने उसकी 13 किस्त जो है वो रिसीव हो चुकी है। अभी नेक्स्ट किस्त यानी 14वीं किस्त हमारी आने वाली है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आपको सबसे पहले उस किस्त को लेने के लिए अपने अकाउंट को चेक कर लेना होगा कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि यानी कि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, लैंड सीडिंग नहीं हुई है, आधार से बैंक अकाउंट सीड है या नहीं। अगर इन केस में से आपका कोई भी एक ऑप्शन अगर इनेबल नहीं रहता है, सही नहीं रहता है, ग्रीन टिक नहीं रहता है, आपका पेमेंट नहीं आएगा, आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा। तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करेंगे, इसके बाद आप उसको चेक करेंगे कि आपका सभी ऑप्शन सही है या नहीं है। अगर सही नहीं रहता है, आप उसको जल्द से जल्द जो है सही कर लेंगे, इसके बाद आपकी जब भी नेक्स्ट किस्त आती है आपकी आ जाएगी। या फिर आपका अगर पिछला पेमेंट भी रुका हुआ है, आप जैसे उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, आपका पिछला पेमेंट भी एक साथ आपको रिसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट किस्त कब आने वाली है और आपके अकाउंट में जो प्रॉब्लम है आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब देखिए, हम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर आ चुके हैं। आप भी इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पेज है। तो फ्रेंड, इस पे आने के बाद आपको सारी चीज़ आपको इसी पोर्टल से करनी होती है। आपका अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं, आपकी रिसीव हो रही है इंस्टॉलमेंट की नहीं हो रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड, तो मैं आपको यही दिखाता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 14वीं किस्त आने वाली है वो किस डेट में आएगी, क्योंकि जो भी हमारी पेमेंट रिसीव होती है सबसे पहले इसी पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तभी पेमेंट आती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 14 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम ऑन 27 जुलाई 2023। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे फुल इन्फॉर्मेशन में वेबसाइट पर मेंशन किया गया कि 27 जुलाई 2023 को इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी हमें रिसीव होने वाली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी इसी डेट में आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी, अगर इस डेट में नहीं आती तो एक दिन बाद आएगी। अब ये तो हो गया कि हमारी इंस्टॉलमेंट किस डेट में हमें रिसीव होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, ई केवाईसी का है, नो योर स्टेटस का है। तो आप यहीं से नया आवेदन कर सकते हैं, आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। नो योर स्टेटस में आप इस पर क्लिक करके अपनी पेमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं आपको यही ऑप्शन करके दिखाता हूँ, तो आप सिंपली इसी पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपके यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आएगा। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा नहीं तो उसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इसी पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने देखिए दो ऑप्शन आएगा, एक मोबाइल नंबर, एक आधार नंबर। आपका मोबाइल नंबर आपका इसमें लिंक है, आप उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, ओटीपी आएगा, उससे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप आधार कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, गेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे, उस पे ओटीपी आएगा, आप उससे भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। जिस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया फ्रेंड, आप उस वीडियो को देख करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकते हैं और आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है आप उनको भी वहीं से ठीक कर सकते हैं। मैंने वीडियो एक महीने पहले ही बना दिया था कि आपके जो इंस्टॉलमेंट आने वाली है वो इंस्टॉलमेंट आप जब तक अपने अकाउंट को सही नहीं किए रहेंगे तब तक नहीं आएगी। तो मैंने उसमें कंप्लीट जानकारी आपको दी है कि आप किस तरह से पहले तो चेक करेंगे आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपके अकाउंट में होगी आपको उसी हिसाब से उसको सही करना है। सही करने की फुल इन्फॉर्मेशन मैंने उसी वीडियो में आपको बता दी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप अभी भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि आज हो गई 23 तारीख, 27 को रिलीज होने वाली, 4 दिन बाकी है पेमेंट रिलीज होने में। अगर आपका अकाउंट में जो प्रॉब्लम है आप उसको सही नहीं करते तो आपकी ये पेमेंट भी होल्ड हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, आप उस वीडियो को देख करके अपना अकाउंट सही कर सकते हैं। बस आपको यही दिखाना था कि आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो किस डेट में रिलीज होने वाली, जो कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप भी इस पर विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।